ओम शांति। हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं एंड आवर गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ इन द यूनिवर्स। इन होल कल्पा हम सचमुच बहुत महान और भाग्यवान हैं। इतने महान हैं कि हमें पढ़ाने के लिए भी भगवान चाहिए और कोई तो हमें पढ़ा ही नहीं सकता, इसलिए उसे स्वयं आना पड़ा हमें पढ़ाने के लिए। और चार सब्जेक्ट उसने हमें दिए और चारों में परफेक्ट होने की प्रेरणा दी। अंत में जब हमारी रिजल्ट आउट होगी उसके बाद विनाश होगा, विनाश से कुछ ही पहले रिजल्ट आउट होगी और फिर होगा इस संसार में महाविनाश का तांडव नृत्य। कोई अस्त्र रतन बनकर ऊपर उभर कर आएंगे, कोई विजयी रतन बनकर इस संसार की शोभा बढ़ाएंगे, तो कोई प्रेता के विश्व महाराजन बनेंगे, उनका भी अपना महत्व होगा क्योंकि वो भी विश्व महाराजन है, उनकी प्रजा भी बहुत ज्यादा है। किसी ने अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भर ली होगी, किसी को ज्ञान के सब्जेक्ट में बहुत मार्क्स मिलेंगे, तो किसी दूसरे को योग के सब्जेक्ट में बहुत मार्क्स मिलेंगे। कोई धारणा संपन्न स्थिति से अच्छा पद प्राप्त करेंगे, तो किसी ने सेवा को अपना जीवन बनाया है, अपना सर्वस्व लगाया है, उनको भी बहुत मार्क्स प्राप्त होंगे। लेकिन सबसे अग्रणी वे होंगे जिन्होंने चारों ही सब्जेक्ट में सर्वश्रेष्ठ मार्क्स प्राप्त किए, जो चारों ही सब्जेक्ट में पास विद ऑनर हुए, मोर देन 90% मार्क्स लिए। उनकी शक्तियां भी हर समय मोर देन 90% कार्य करती रही। जिसके पास ज्ञान का बल बहुत होता है वही श्रेष्ठ योगी बनते हैं। जिनके पास ज्ञान की धारणा संपूर्ण होती है, जिन्होंने संपूर्ण सूक्ष्म ज्ञान जान लिया होता है, वही संसार से डिटैच होकर निरंतर योग युक्त हो जाते हैं। और जिनके पास योग की शक्ति बहुत आ जाती है, उनमें सभी स्थूल और सूक्ष्म धारणाएं परफेक्टली आ जाती हैं। और जिनमें ये तीनों चीजें हैं, वही सच्चे सेवाधारी हैं, वही निष्काम भाव से सेवा कर सकते हैं। उनकी ही सेवा का बल सबसे बड़ा पुण्य बनकर उनको बहुत ही बड़ी मदद करता है, उनको हर जगह से ताड़ने के लिए नैया का काम करता है। तो जरा ध्यान दें, हम फाइनल में कितने मार्क्स लेना चाहते हैं, हमारा कोई लक्ष्य भी है या नहीं, या ठीक है जो कुछ मिलना होगा मिल जाएगा, इस टेंशन में भी क्यों रहें। नहीं, जब भगवान टीचर बनकर आया है, जब सद्विवेक हमें प्रदान कर रहा है, जब हमारी डिवाइन बुद्धि का निर्माण हो रहा है, तब हमें अपना सर्वस्व लगा देना चाहिए इस स्टूडेंट लाइफ को सफल और संपन्न करने के लिए। ये अलबेलेपन का समय नहीं है, ये केवल धंधों और उलझनों में स्वयं को उलझाने का समय भी नहीं है, ये समय है इस ईश्वरीय पढ़ाई में परफेक्ट बनकर महान स्थिति को प्राप्त करने का। तो अपने से चिंतन करें, अपने से बात करें, जब भगवान पढ़ाने आया है तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पास पढ़ने के लिए समय ही नहीं है, मैं तो बहुत देर से उठती हूँ, मैं तो नींद नहीं खुलती, मुझे तो बहुत समस्याएं हैं, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है, ग्रस्त के ये झंझट हैं। पर इनमें तो सारा संसार उलझा हुआ है, निकलो इनसे और महानता का पथ स्वीकार करो। तो आज
सारा दिन हम सभी बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूँ और गॉडली स्टूडेंट हूँ। मुझे स्वयं भगवान पढ़ाने आए हैं। इस नशे में रहेंगे और विजन बनाएंगे। सामने वो स्वयं बैठकर मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं। इसी नशे से आज की दिनचर्या को संपन्न और सफल करेंगे। ओम शांति।